الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ودحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سَلَامُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الشمس इसकी आयत नंबर एक से लेकर दस तक की तिलावत की है मैंने इन हम इसको पढ़ेंगे अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए या अल्लाह तो हमारी मदद फरमा या रब्बल आलमीन तो हमें समझा दे या अल्लाह तो हमें इस पर अमल करने वाला भी बना दे और हमें दूसरों तक पहुंचाने वाला भी बना दे और अल्लाह ताला तो हमें इल्म नापे अता फ़रमा और तू हमसे राज़ी हो जा और हमें दुनिया और आख़रत में जो है इसका अजर अता फ़रमा आखरत की रसवाई से भी बचा या अल्लाह तो हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमा और या अल्लाह तेरी अज़ाब से और तेरी जहन्नम से तो हमें बचा लेना या अल्लाह तो हमें हमसे राजी हो जाना अमीन या रब्बल आलमीन ये सूरत शम्स है आयत नंबर एक से लेके दस तक जो है अल्लाह ताला ने ग्यारह चीजों की कसम खाई है थोड़ा सा इसका जो है ना मौजू हम देख लेते हैं फिर हम तर्जुमा देखेंगे इन तो इसमें यह है कि इस सूरत के पहले ही लफ्ज अशम्स शम्स यानी कि सूरज को इसका नाम करार दिया गया है ये सूरत मक्का मुआजमा की इब्तदी दौर में उस वक्त नाजिल हुई जब रसोल्लाम की मुखालिफत खूब जोर पकड़ चुकी थी यानि लोग जो है मुखालिफ हो गए थे और बहुत जोर पकड़ लिया था उनकी हरकत ने उनकी दुश्मनी ने तो इस सूरत में नफ्स की हिदायत व गुमराही और कौम समूद की हिलात व तबाही का जिक्र किया गया है <laughs> अल्लाह तायदा है कि जिन हकायक को यानी जिन हकीकतों को जिन बातों को सही बातों को हक बातों को वो इंसान के जहन नशीन कराना चाहता है उनकी शहादत में उनकी गवाही में वो सामने की चंद ऐसी नुमाया तरीन चीजों को पेश करता है नुमाया तरीन यानी एकदम खुली हुई बिल्कुल हम लोग खुली तरीके से हर इंसान जिन चीज़ों को देख सकता है उन ऐसी नुमाया तरीन चीजों को पेश करता है जो हर आदमी को अपने गिरदोपेश यानि आजू बाजू की दुनिया में या खुद अपने वजूद में नजर आती है इसी कायदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने 11 किस्म की 11 कस्में खाई हैं ताकि यह हकीकत इंसान के जहन नशीन हो जाए कि कामयाब इंसान वो है जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया पाक किया तस्किया क्या यानी पाक किया नफ्स को गुनाहों से ऐबों से की नाकदूरत से बद से हर चीज़ से जो है ना बुरी चीज़ों से पाक किया नफ्स का तस्किया किया यानी उसे शिरक नाफरमानी और इखलाकी गिरावटों से पाक किया और जिसने नफ्स को दबा दिया यानी उसे गुमराह किया वो खसारे में है और नाकाम व नामुराद है इस हकीकत को वाज करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीजों की कसम खाई ग्यारह चीजों की कसम खाई है तो ये इसका मौजू है और कसम खाई गई है जिस चीज के लिए कसम खाई है उसके बारे में हमने अभी पढ़ा और इन हम पढ़ते हैं कि किन वो ग्यारह चीजें कौन सी है जिनकी कसम खाई गई है बिस्मिल्लाहिर व शम सी कसमिया है कसम है अशम्स सूरज की वहा व उसकी धूप चढ़ने की दुहा चाश वक्त जैसे होता है ना दुहा रोशनी धूप हा उसकी यहाँ पर हा जो है ना फीमेल के लिए आया जो हा हू नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अरबी में शम्स जो है ना वो मानस है मानस इस्तेमाल होता है वह दुहा वहा कसम है सूरज की और उसकी धूप चढ़ने की इसीलिए हा का सिगाया आगे हा जो है ना उसकी जमीर आई है तो वह शम सी वहा सूरज और उसकी धूप चढ़ने की कसम उसकी बाज मुफरीन ने लिखा उसकी रोशनी की कसम फिर है वल कमरी और चांद की वल मरी और चांद की इरा जब तलाहा वो उसके पीछे आता है किसके पीछे आता है सूरज के यहाँ पर भी हाँ जो है वो सूरज के दिए तलाहा उसके पीछे आता है ये तलवुन से है तिलावत भी हम इसीलिए कहते हैं कि एक लफ्ज के पीछे दूसरा लफ्ज आता है तिलावत भी इसी से निकला है तो वल कमरी ईदा तलाहा तलाहा और चांद की चांद की कसम ईदा जब वो उसके पीछे आता है और चांद की जब वो उसके पीछे आता है किसके पीछे आता है हा जो है सूरज सूरज के पीछे आता है फिर है वन नहारी और दिन की नहार कहते हैं दिन को वन नहारी इदा जब जल्लाहा सूरज को रोशन कर देता यहाँ पर फिर हा आया हाँ है ना सूरज के लिए जल्लाहा रोशन कर देना वो सूरज को रोशन कर देता है और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखाता है दिन की कसम जब वो सूरज का जलवा दिखाता है फिर आ गए वल लैली और रात की लैल रात को इदा रात की कसम इदा जब यघशाहा वो उसे ढांप लेती है फिर सूरज के लिए है यघशाहा वो उसे ढांप लेती है जब जब रात सूरज को ढांप लेती है तो उस 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 वक्त की रात की कसम और रात की जब वो उसे ढांप लेती है ये बामवार अनुवाद वह समाई और आसमान की असमाई आसमान की व उस जात की बनाहा जिसने उसको बनाया यहाँ पर समाई के लिए हा आया जो है वो आसमान के लिए आया है असमाई यहाँ पर समाई भी जो है ना मानस है यानी कि फीमेल है तो और आसमान की कसम और उस जात की कसम व बना जिसने उसको बनाया यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाई है के और आसमान की कसम और उस की कसम वमा बनाहा की कसम जिसने उसको बनाया हा यहाँ पर के लिए आसमान के लिए और आसमान की और जात की जिसने उसे बनाया वल अदी और जमीन की वमा और उस की हा जिसने उसको बिछाया हा बिछाना और हा यहाँ पर अर्ध के लिए जमीन के लिए जिसने उसको बिछाया ये वाली हाँ जो है ना जमीर के लिए, जमीन के लिए आई है अर्ध के लिए और जमीन की कसम और जमीन की की और और उस जात जिसने उसे बिछाया फिर व नफसिन और नफसिन इंसानी नफ्स की कसम व माँ और माँ उस की जिसने उसे ठीक ठाक कर दिया सवाह कहते हैं ठीक ठाक करने को हा नफ्स के लिए आया यहाँ पर यहाँ पर जो हा आया है वो नफ्स के लिए आया तो और इंसानी नफ्स की कसम और उस जात की जिसने उसे ठीक ठाक किया है यानी यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाई है और इंसानी नफ्स की और उस जात की जिसने उसे ठीक बनाया ठीक ठाक बनाया फिर अलहमहा फिर उसे इल्का की इलहाम कर दिया इल्हाम जो है ना वही को भी कहते हैं इलहाम जो है ना कोई बात एकदम से जैसे वही तो नबियों के पास आती थी और इल्हाम जो है ना आम इंसानों को कभी कोई चीज बातें एकदम सूझ जाती है जैसे अल्लाह की तरफ से कोई बात हमारे दिल में आ जाती है कोई बात हमारे दिमाग में आ जाती है किसी चीज़ का हल एकदम से दिखाई देता है ये साइंटिस्ट लोग भी, भी जो है ना साइंटिस्ट भी जो है ना जो इजादात करते हैं सारे तो वो सारी चीजें जो ना जो उनको बातें जो इल्हाम होती है वो अल्लाह तला की तरफ से ही होती है तो जो इल्का कर करनाल्ला तो कर, करना, तो करना, ने नफ्स के अंदर इल्हाम किया है छोटा पैदा होता है ना बच्चा तब से इल्हाम शुरू हो जाता है कि वो माँ का दूध कैसे पिए कैसे चले कैसे रोए इस तरह से हर चीज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से होता है और फिर जो है ना एक जमीर होता है अंदर इंसानी नफ्स के अंदर जमीर होता है वो भी उसको भी इल्हाम कहते हैं कि जमीर जो है ना अच्छे काम करेंगे तो खुश होता है बुरे काम करेंगे तो फिर वो मलामत करता है तो ये जो है ना इल्हाम फ फल फिर उसे इल्का की रहा उसकी बद वा और उसकी और परहेजगारी परेजगारी का क्या होगा कि इंसानी नफ्स की और उस की जिसने उसे ठीक बनाया फिर उसकी बदी और उसका तकवा उस पर इल्हाम किया नफ्स इंसानी पर इल्हाम भी कर दिया अंदर से कोई नहीं बताए ना तब भी हमें खुद ही समझ आ जाती है कि मैंने किया वो अच्छा नहीं किया मैंने बुरा किया लेकिन क्या होता है कि हम अपने नफ्सों को दबा देते हैं नफ्स के आवाज़ को ज़मीर की आवाज़ को दबा देते हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक जमीर रखा है एक ऐसी नफ्स में इाम रखा है कि जो अच्छी बातों पर हमें उकसाता है और बुरी बातों के बारे में हमें बताता है कि ये गलत है तो ये यहाँ पर कहा गया है कि आ, फिर उसकी बदी और उसका तकवा उस पर इलाहम किया आगे है मन यकीनन जो कस, कसम का सिलसिला खत्म हुआ ना तो यहां पर जवाब कसम आ गया फल ये सारी कसम ग्यारह क्यों खाई गई है ये बात बताने के लिए कि व तकवाद यकीनन फलाह पा गया वो जिसने अफला फलाह पा गया फलाह पा गया मन वो जिसने जक कहा उस नफ्स का तस्किया किया हम सका देते तो हमारे पैसे पाक होते ना तो नफ्सों को भी पाक करना है उस नफ्स का तस्किया करना है फिर वक़द और कद यकीनन ख्वाब नाकाम हुआ ख्वाब का मतलब है नाकाम हो गया मन वो जिसने दस साहा उस नफ्स को खाक आलूदा किया यानी उस नफ्स को दबा दिया उस नफ्स को आलूदा किया दस साहा वक़द ख़ाब मन दस्सा दबा देना अगर नफ्स की आवाज़ को दबा देना होता है ना दबा देते हैं ना कि वो हमें नेकी की तरफ बुलाती है या हमें हमारी बुराई पर जो है ना टोकती है या नदामत आती है तो हम दबा देते कि नहीं 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 वो तो ऐसा हुआ था वो तो वैसा हुआ था तो वक़द ख्वाब मन दस्साह और यकीन नाकाम हुआ वो जिसने इस नफ्स को खा आलूदा किया या दबा दिया आगे जो है हम अगली बार पढ़ेंगे इनशाला यहाँ तक कि आज मैंने तिलावत की थी अब एक दफा बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ लेते हैं सूरज और उसकी धूप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरज और उसकी धूप चढ़ने की कसम और चाँद की जब वो उसके पीछे आता है और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखाता है और रात की जब वो उसे ढांप लेती है और आसमान की और उस जात की जिसने उसे बनाया और ज़मीन की और उस जात की जिसने उसे बिछाया और इंसानी नफ्स की और उस की जिसने उसे ठीक बनाया फिर उसकी बदी और उसका तकवा उस पर इल्हाम किया फलाह पा गया जिसने नफ्स का तस्किया किया और यकीनन ना मुराद हुआ जिसने उसे आलूदा किया तो अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं ये कि अल्लाह ताला ने ये सारी इतनी सारी जो है ना नुमाया चीजों की ये सारी रात दिन सूरज चांद ये सब हम लोग देखते हैं ना हर चीज हमें नजर आती है और उसके सारे जो है ना क्वालिटीज उनकी सिफात उनके सब चीजें भी हमें समझ आती है तो आगे क्या है कि सूरज और उसकी धूप की कसम यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं कसम खाता हूँ सूरज और उसकी फैली हुई रोशनी की जब ये दुनिया रोशन हो जाती है और अंधेरा छट जाता है चांद की कसम जब वो उसके पीछे आता है यानि गुरुब आफ्ताब के बाद चांद तुलू होता है और अल्लाह के हुक्म से अपनी रोशनी बिखेरने लगता है दिन की कसम जब वो सूरज को रोशन कर देता है यानी दिन के वक्त सूरज पूरी रोशनी के साथ जलवागर होता है और तमाम चीजों को नुमाया कर देता है साफ साफ दिखाई देती है सारी चीजें फिर रोशनी में सूरज की रोशनी में फिर रात की कसम जब वो उसे ढांप लेती है यानी जब रात आती है तो सूरज छुप जाता है और उसकी रोशनी रात भर गायब रहती है इसी कैफियत को यूं बयान किया गया है कि रात सूरज को ढांप लेती है क्योंकि रात की असल हकीकत सूरज का उफक से नीचे उतर जाना है जिसकी वजह से उफक यानी आसमान का जहां से वो नजर आता है ना होता है वहां से जिसकी वजह से उसकी रोशनी जमीन के उस हिस्से तक नहीं पहुंच सकती जहां रात तारी हो गई हो फिर आसमान की कसम और जिसने उसे बनाया यानी छत की तरह उसे खड़ा किया वो अल्लाह ताला ने अपनी अजमत और कुदरत की शहादत दी है कि इसने सुतूनों के बगैर नील को मजबूत आसमान बना दिया है फिर ऐसे जमीन की कसम और जिसने उसे यानी जमीन को इस तरह फैला दिया कि वो मखलूक की बूदोबाश यानी रहन सहन के काबिल बन जाए उन्हें खाने की को रिजक भी फराहम होता रहे और रहाइश के तौर पर भी काम आए तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इतफाक़न नहीं बन गई है किसी के बग़ैर बनाए किसी के खुद ही खुद नहीं बन गई है बल्कि बहुत प्लानिंग के साथ बहुत आ, आ, के साथ ये सारी चीज़ें बनाई गई है और अल्लाह ताला ने इनकी, इनकी ये जो इनकी इंपॉर्टेंस है इसीलिए अल्लाह कसम भी खाई है इनकी आगे अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई इंसानी नफ्स की कसम और जिसने उसे ठीक ठाक बनाया यानी इंसान को ऐसा जिसम अता किया जो अपने कदो कामत हाथ पांव और दिमाग के एतबार से इंसान की सी जिंदगी बसर करने के लिए मौजूद था उसको देखने सुनने छूने चखने और सूंघने की ऐसी हवास सेंसेज अता किए जो अपनी खसूसियात के बिना पर बेहतरीन इल्म का जरिया बन सकते हैं उसको अक्ल फ़िक्र इस्तलाल खयाल हाफिजा तमीज़ फैसला और इरादे की कुतें अता करने के साथ साथ ऐसी जहनी कुतों से मालामाल किया जिनकी बदौलत वो दुनिया में इस काम के काबिल हुआ जो इंसान के करने का है उसे तौर पर गुनाहगार और बद, बद पैदा नहीं किया, बल्कि सीधी फितरत इस्लाम पर पैदा किया और उसकी साख्त में कोई पैदाइशी कजी नहीं रखी कि वो सीधी राय अख्तियार करना चाहे भी तो ना कर सके इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हर नफ्स पर उसकी बदी और उसका तकवाम कर दिया यानी उसे अच्छी तरह समझा दिया और अम्बिया और आसमानी किताबों के जरिए से खैर और शर की पहचान करा दी या मतलब ये कि उसकी अकल और फितरत में खैर और शर नेकी और बदी का शुरू रख दिया ताकि वो नेकी को अपनाए और बदी से इज्तनाफ करे सैदना जैद बिन अरकम रदी अल्लाह तु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लम यह दुआ मांगा करते थे اللهم أدي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت خير من زكاها. وأنت وليها ومولاها. اللهم آدي نفسي تقواها انت خير من زكها وأنت وليها انت اللهم نفسي انت خير من زكها अंत वली यू है वह मौला है अल्लाह तू मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर और उसको पाक कर दे तो इसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है तो तू ही इसका कारसाज कारसाज और मौला है इससे ये बात भी समझ आती है कि बंदा तो सिर्फ तकवा और पाकिज पाकिजगी की ख्वाहिश और तलब ही कर सकता है रहा उसका नसीब होना तो बहरहाल अल्लाह की तोफीक पर मुनहसिर है तो अल्लाह से हमें जो है ना वो दुआएं मांगते रहना चाहिए आगे कौम समूत के बारे में बताया गया है ये हमने जो आज तिलावत की थी वो ये उसकी तशरी मुख्तसर से ये है तो इसका जो है ना आ, इसमें हमें क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला ने बतौर जवाब कसम फरमाया कि कामयाब कामयाब व बा मुराद वो, वो इंसान होगा जो अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करेगा अमले साले और जिक्र इलाही के जरिए उसे जीनत बख्शेगा और वा खासिर यानी के आ, नाकाम होगा खाइब होगा ज़मीन में दब, दब जाएगा खासिर हो वो होगा नुकसान उठाने वाला वो होगा जो अपने नफ्स को गुनाहों के बोझ तले दबा देगा छिपा देगा और हसूल रजा इलाही के लिए उसे ऊपर उठने नहीं देगा यह हमारे हाथों में होता है कि हम अपने नफ्सों को आगे उठाए या हम उसे दबा दें तो अल्लाह ताला से फिर एक दफ़ा हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह नफ्सी तकवा वक्की हा वक्का व अल्लाह तू तो हमारे नफ्स को उसका तकवा अता कर उसको पाक कर दे तो उसे सबसे बेहतर पाक तू उसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है तू ही इसका कारसाज और मौला है तो ये थोड़ी सी हमने मुख्तर तशरीबी कर ली इन अगले उसमें हम आगे पढ़ेंगे अल्लाह ताला कबूल करें थोड़ा सा जल्दी से कुछ के जो है ना मजदर देख लेते हैं तलाहा तलाहा का मजदर जो है ना तलवून है तलवून यानी पीछे आना जल्लाहा तजलियतुन यानी सोर्स कहाँ से लिया गया ना ये जल्ला लफ्ज तजलियन रोशन करना यहां इसका ढांप लेना

سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ